20,000 की आबादी जलमग्न है जिसमें 4-5-6 गांव आते हैं। अच्छा, बेसनगंज, हंसगंज, ईसापुर, शांति आश्रम, अब्दुल नबीपुर, ये सारे सभी जलमग्न है, सभी बाढ़ पीड़ित है, ये समझ लीजिए। हाँ, फसलें बर्बाद हो गई है, कुछ मकान भी टूट गए हैं। सरकार अपने संज्ञान में ये ले और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उसकी मदद कराई जाए। क्या नाम है आप? मेरा नाम है देवेंद्र निषाद। अच्छा देवेंद्र जी, आप केवट हैं, दिन भर में लगभग कितने लोगों को आप यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं? मैं सर यहाँ से कम दोनों साइड का लगा के 500 बंदे आर पार कर रहा हूँ। डेली महिलाएं हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, जनमानस जो भी है, 400 से 500 डेली। कल से मेरी नाव नियुक्त हुई है, आज दूसरा दिन है। तो ये सरकार की तरफ से नाव? जी, नगर निगम की तरफ। नगर निगम की तरफ जी। संभाल के तार है ऊपर। हाँ, वो तो निकल गया। लगभग कितने घर हैं यहाँ पर, कितनी आबादी महाराज जी जो डूबी हुई है? आबादी 20,000 की आबादी और ज्यादा ही है। 20,000 के लगभग आबादी है सर। 20,000 की आबादी? 20,000 की आबादी जलमग्न है जिसमें 4-5-6 गांव आते हैं। अच्छा, बेसनगंज, हंसगंज, ईसापुर, शांति आश्रम, अब्दुल नबीपुर, ये सारे सभी जलमग्न है, सभी बाढ़ पीड़ित है, ये समझ लीजिए। घरों में 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भरा हुआ है। लोगों को लेटरिन कराने तक के लिए हम लोग ही ले जाते हैं सारा खाना, राशन पानी, दवाई। जो लोग हैं जिनके घर डूब गए हैं, वो अपनी छतों पर अपना आसियाना बनाए हुए हैं इस समय, और उन लोगों को आप जो है वो नाव द्वारा मदद पहुंचाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था हो, खाने पीने की किसी भी चीज की हो, साहब बाजार जाना हो, आना हो, खाना पीना, राशन, दवा, धूली, कुछ भी लाना हो, सभी नाव से हम ऐसे पार कराते हैं, फिर लाके गांव छोड़ते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश सैनी। सैनी साहब, क्या समस्या हो रही है आप लोग यहाँ? समस्या ये है कि राजा राम की जो नाव है वो तो मतलब लगी हुई है वायरोज से। कुछ नाव वाले 50-50, 100-100, 200-200 रुपए मांग रहे हैं और उतार भी नहीं रहे। नाव तो सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से, नगर निगम की, एसडीएम की तरफ से राजा राम की नाव लगी हुई है यहाँ शांति आश्रम पे, और किसी की नाव नहीं लगी हुई है। अच्छा। और तो बताते हैं कि मेयर साहब कह रहे थे 2 लगवाई थी, लेकिन वहाँ कुछ लोग निजी चला रहे हैं और 100-100, 200-200 रुपए वो लोग मांग रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों से लिए थे। कितने घर यहाँ पे डूबे हैं आप लोगों के? सैकड़ों घर हैं यहाँ पे। अच्छा, कहाँ क्या कुछ नुकसान हो गया? हाँ, फसलें बर्बाद हो गई हैं, कुछ मकान भी टूट गए हैं, और फिर जानवरों की भी परेशानी है, खाने पीने की सभी प्रकार की परेशानी है। आप लोगों के खाने के लिए कुछ व्यवस्था हुई ना? सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुई, अपना ये जमुना ब्रिज संस्था जो है सैनी समाज की, वो यहाँ अपना भंडारा करा के मतलब अपना काम कर रही है। अच्छा, क्या 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 लग रहा है आपको, क्या समस्याएं लग रही है? समस्याएं सर अभी तो काफी समस्याएं बढ़ेंगी यहाँ पे, जैसे कि ये पानी है यहाँ पे, डेंगू का भी प्रकोप यहाँ पे बढ़ेगा ये, क्योंकि पानी निकालने की कोई यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी स्थल रहेगा, पानी उतर भी जाएगा फिर भी स्थल रहेगा, यहाँ भरा रहेगा पानी। गिर गई है और दरवाजा आप देख सकते हैं कि मकान का जो है वो खुला हुआ है और टूटा हुआ है, दरवाजा टूट गया है और लगभग आधा या आधे से ज्यादा दरवाजा, जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं, डूबा हुआ है। और